गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू दिस ब्लॉग। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूँ दिल्ली के सबसे महत्वपूर्ण संरचना को दिखाने के लिए। और इस संरचना से दिल्ली के हर एक दिल्लीवासी वाकिफ हैं। और इस संरचना का नाम है जंतर मंतर। जंतर यानी कि मंत्र, और मंत्र दैट मीन्स की फार्मूला। यह संरचना एक खगोलीय वैद्यशाला है और इसे ग्रह की स्थिति जानने के लिए बनाया गया था, और साथ ही वर्ष के सबसे बड़े और सबसे छोटे दिन की जानकारी जानने के लिए भी बनाया गया था। और यहाँ पे अलग अलग बहुत प्रकार के छोटे और बड़े यंत्र लगे हुए हैं, तो मैं आपको उन सभी यंत्र के बारे में बताऊंगा और उसके बारे में मैं आपको दिखाऊंगा भी उसका क्या काम है, उस यंत्र को किस यूज में लाया जाता था, उन सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस ब्लॉग में देने वाला हूँ। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो आपको 20 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और अगर आप काउंटर पे टिकट बाई करते हैं तो आपको 25 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट अभी काउंटर बंद चल रहा है कुछ टाइम से, शायद कोविड के वजह से, तो आपको ऑनलाइन टिकट ही बुक करना पड़ेगा, और यहां से QR कोड को आप स्कैन करके टिकट बुक कर सकते हैं। और मेरे पीछे ये जो यंत्र देख रहे हैं, उस यंत्र का नाम है मिस्र यंत्र। मिस्र यंत्र का जो काम है वो बेसिकली साल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन बताने का काम है, तो ये सबसे बड़ा और सबसे छोटा दिन साल का बताता है। मिस्र यंत्र के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसका निर्माण महाराजा जयसिंह के पुत्र माधो सिंह ने 1751 से 1768 ईस्वी में करवाए थे। इधर बैरिकेड्स लगा दिया गया है, इसके आगे आप नहीं जा सकते हैं। तो चलिए अब सम्राट यंत्र की ओर चलते हैं। आप ये जो सामने देख रहे हैं ये है सम्राट यंत्र। सम्राट यंत्र में इस क्वाड्रेंट को बोलते हैं ईस्ट क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं मध्य शंकु, और इस साइड जो है इसको बोलते हैं वेस्ट क्वाड्रेंट। इससे टाइम का पता लगाया जाता है और ग्रहों की स्थिति के बारे में भी पता लगाया जाता है, उसका पोजीशन क्या है वो पता लगाया जाता है। और यहाँ पे सम्राट यंत्र के बारे में डिटेल में बताया गया है कि ये काम कैसे करता है। और सम्राट यंत्र को सौरी घड़ी, सूरी घड़ी, और इंग्लिश में लाइक सन डायल भी कहा जाता है। सम्राट यंत्र में ये जो मध्य शंकु है इसकी जो हाइट है ये ऑलमोस्ट 20.73 मीटर है, और दिन के आधे टाइम शेडो इस साइड पड़ते हैं और दिन के आधे टाइम जो शेडो हैं वो इस साइड पड़ते हैं, तो उसी से कैलकुलेट किया जाता है टाइम और ग्रहों की स्थिति के बारे में, इसी से नापा जाता है। सौर घड़ी के बारे में जो भी मुझे नॉलेज थी वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और हम लोग आगे चलते हैं राम यंत्र की ओर। ये पीछे आप ये जो पूरा सेक्शन देख रहे हैं ये पूरा सेक्शन सौर घड़ी के अंतर्गत ही आता है ये पूरा। यह जो सामने यंत्र देख रहे हैं इस यंत्र का नाम है राम यंत्र। बेसिकली इस यंत्र का जो काम है वो है पिंडों की गति के बारे में बताना, पोजीशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स की स्थिति के बारे में बताना, पृथ्वी कितने एंगल पे खड़ी है, वो सारी चीज़ें इस यंत्र के थ्रू मेजर किया जाता है। इस यंत्र का जो फर्श है वो लगभग 30 भागों में डिवाइड है, और इसके चारों ओर जो दीवार है उसकी संख्या भी 30 है। दीवार और स्तंभ की जो ऊंचाई है इमारत की आंतरिक त्रिज्या के वो बराबर है, जो कि 7.51 मीटर के बराबर है। ये कुछ था राम यंत्र के स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी जो बनावट थी उसके बारे में। तो चलिए हम लोग एग्जिट करते हैं यहाँ से। राम यंत्र के बारे में यहाँ सारी चीज़ें डिटेल में लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसके कार्य, उसके उपयोग, ये सारी चीज़ें। वैद्यशाला प्राचीन भारत के वैज्ञानिक उन्नति का मिसाल है, और यह ये दर्शाता है कि प्राचीन टाइम में भी हमारा जो देश था, हमारा जो विज्ञान था वो कितना ज़्यादा विकसित था। और इस तरह के
जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह ने दिल्ली सहित जयपुर वाराणसी मथुरा और उज्जैन में करवाया था, लेकिन ये सभी जंतर मंतर वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लेकिन जयपुर का जो जंतर मंतर है वो अभी भी एग्जैक्ट टाइम बताता है और एग्जैक्ट ग्रहों का लोकेशन भी एग्जैक्ट बताता है। जंतर मंतर का निर्माण इसलिए करवाया गया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में हिंदू और मुस्लिम खगोल शास्त्रियों के बीच ग्रहों की स्थिति को लेके बहस छिड़ गई थी और इस बहस को ख़त्म करने के लिए महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। वैसे दिल्ली में गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी और मेरी गला सूख रही है प्यास से। अभी जा रहा हूँ कहीं पानी ढूंढने के लिए, पानी पीने के लिए। वैसे आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।